नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, विश्व के जो पर्यावरणीय सम्मेलन हुए हैं जिनका उद्देश्य था विश्व में जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनको दूर करना। हमने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जो सम्मेलन है वो पढ़ा था। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए था, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज है उनके उत्सर्जन को कम करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, जिसमें देशों को एक निश्चित समय अवधि दी गई जिसके आधार पर वो देश इन ग्रीन हाउस गैसों को कम कर सके। 1990 की स्थिति में लाने की बात कही गई थी कि 1990 जो था उसके बाद गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है, क्योंकि विश्व में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जैसी व्यवस्था बढ़ी तो औद्योगिकरण क्या है सर्वाधिक बढ़ा, औद्योगिकरण का विकास हुआ और औद्योगिकरण का विकास ही विश्व में इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का प्रमुख कारण बना। अब देशों को क्या किया गया, देशों को निश्चित समय दिया गया 2008 से 2012 तक, और कहा गया कि 1990 के स्तर तक गैसों का उत्सर्जन है वो आना चाहिए, और अलग अलग देश में से 5% की कमी के लिए कहा गया, और अलग अलग देश है उनको अलग अलग मापदंड दिए गए, यूरोप, अमेरिका, जापान, अलग अलग मापदंडों के आधार पर उनसे उत्सर्जन में कमी करवाने का एक प्रस्ताव रखा गया। यही प्रोटोकॉल था, कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ हुआ था वो, क्योटो जापान के शहर में हुआ था। अब हम आगे देखते हैं, इस क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा ही है बॉन कन्वेंशन। कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। कब हुआ, 1998 में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था, जो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा आया था उसकी क्रियान्विति पे जोर दिया जाए। क्योटो प्रोटोकॉल आया था उसकी क्रियान्विति पे जोर दिया जाए। वो क्रियान्विति क्या थी, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो इसमें भी ग्रीन हाउस के जो गैसेज है उसके उनके उत्सर्जन पे कमी के लिए प्रयास करना, और ज्यादा से ज्यादा जो है उसके लिए जोर देना कि ये कमी आए जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। इसके बाद जो पृथ्वी सम्मेलन था, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट पृथ्वी सम्मेलन है। 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 तक चला। कहाँ चला, दक्षिण अफ्रीका के कौन से नगर में, जोहान्सबर्ग नगर में यह आपके पृथ्वी सम्मेलन चला। इस पृथ्वी सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या दिया, इसमें भाग लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या लिया, भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, जो ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय ऊष्मा जो हरित गृह प्रभाव की क्रिया है उसको कम करना, और सतत पोषणीय विकास को लागू करना था। सतत पोषणीय विकास को लागू करना था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सम्मेलन में कहा कि विकास करें लेकिन विकास कैसा हो, सतत पोषणीय विकास हो या धारित विकास हो, कैसा हो, धारित विकास हो। धारित का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला विकास, जिससे सभ्यता भी नष्ट नहीं हो,
सभ्यता भी नष्ट नहीं हो और जीवन भी जी सके, जीवन भी जी सके, यानी सभ्यता भी नष्ट न हो, जीवन भी जी सके और आर्थिक विकास कैसा हो। आर्थिक विकास के लिए उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास ऐसा हो कि वर्तमान की आवश्यकता भी हम पूरी कर ले, वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी कर ले और भविष्य के लिए भी जो हम बचा सके संसाधनों को तो बचा सके। यानी ऐसा विकास किया जाना चाहिए, आर्थिक विकास जिसमें सभ्यताओं का ध्यान रखा जाए, सभ्यताएं जो आगामी आने वाली सभ्यताएं हैं वो नष्ट नहीं हो, यानी हमारी सभ्यता है वो आगे की पीढ़ियों तक जाएगी तो वो नष्ट नहीं हो और वर्तमान पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी कर ले। ऐसा नहीं कि हम आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब है धारित विकास, लगातार पोषण युक्त विकास, जिसकी बात किसने कही, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही कि सभ्यता भी नष्ट नहीं हो और मनुष्य जीवन भी जी सके और आर्थिक विकास कैसा हो कि वर्तमान की पूर्ति भी हो जाए और विकास भी कर सके। यहां सबसे बड़ी बात आई है, प्रश्न आता है आपका +10 क्या है, +10 क्या है, प्रश्न आ जाता है। तो +10 क्या है, 2002 में जो सम्मेलन हुआ इस सम्मेलन में जो लक्ष्य रखे गए इन लक्ष्यों को 10 वर्षों के आधार पर रखा गया कि 10 वर्षों में ये कार्य होना चाहिए। उसके बाद सम्मेलन तो होते हैं, प्रति सम्मेलन तो होते हैं, लेकिन जो समीक्षा है, जो लक्ष्य है, लक्ष्यों की समीक्षा तो बीच बीच में कर रहे हैं लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति की जो रूपरेखा है वो 10 वर्षों के बाद ही की जाती है। ये 2002 में सम्मेलन हुआ, फिर 2012 में, फिर 2022 में, तो 10 वर्षों के आधार पे पृथ्वी सम्मेलन में क्या है समीक्षा की जाती है। हालांकि पृथ्वी सम्मेलन तो होते हैं हर वर्ष, लेकिन जो 2002 में काफी निर्णय लिए गए उन निर्णयों की समीक्षा हर वर्ष होगी, लेकिन निर्णय के लक्ष्यों की लास्ट बात कब होगी 2002 में, और फिर नए मुद्दे रखे जाएंगे, क्या हमने प्राप्त कर लिया, क्या हमें प्राप्त करना है, वो मुद्दे कब रखे जाएंगे 10 वर्ष के बाद। तो ये रूपरेखा आपकी क्या है, +10 जानिए, समझ में आ गया, +10 है 10 वर्षों के लिए नवीनतम रूपरेखा तैयार करने के लिए। 2002 जोहान्सबर्ग सम्मेलन में एक नया निर्णय लिया गया कि 10 वर्षों के दौरान हम क्या करेंगे, अपनी रूपरेखा जानने के लिए, लक्ष्य को जानने के लिए 10 वर्षीय क्या एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। कि 10 वर्षीय लक्ष्य क्या कहलाता है, +10 क्या कहलाता है, +10। और इसके बाद में आपके ये सम्मेलन 2012 में आपके दोहा कतर में हुआ था, इससे पहले काफी सम्मेलन हो गया जो पढ़ते जा रहे हैं, तो समझ में आ गया जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाग लिया और अपना वक्तव्य सतत पोषणीय विकास के बारे में रखा, दूसरा +10 की अवधारणा इसी सम्मेलन में आई थी इस कारण से ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन। इसके बाद है डरबन पृथ्वी सम्मेलन 2003 में हुआ, कहाँ पर है डरबन, दक्षिणी अफ्रीका में है, कहाँ पर है, दक्षिणी अफ्रीका में। डरबन में क्या कहा गया कि पर्यावरणीय जो समस्या है उसको दूर करना, पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधताओं की रक्षा करना, जैव विविधताओं की रक्षा करना, इन दोनों के लिए कौन सा सम्मेलन आया था आपके, डरबन सम्मेलन कौन से के लिए आया था, पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता की रक्षा करने के लिए। कब आया, 2003 में, कहा डरबन दक्षिणी अफ्रीका। इसके बाद स्टॉकहोम तो आपके आया था, सबसे पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन है वो 2014 में हुआ, कहां पर हुआ,
स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ, राजधानी नगर है। उद्देश्य क्या था? औद्योगिक प्रदूषण को कम करने पे जोर दिया गया। जो औद्योगिक प्रदूषण है उसको आप बोलोगे कि उद्योग तो चलेंगे तो प्रदूषण तो होगा, लेकिन प्रदूषण कैसे कम हो? तो हम ऐसे यंत्रों का उपयोग करें जिससे उद्योगों के चलने के बाद भी जो उत्सर्जित गैसें हैं उनके प्रभाव को हम कम कर सके, उनको रोक सके। बताया हुआ है वाटर हेड कोलाइडर लगाया जाए जिसमें पानी के अंदर जो गैसेज है उनका संग्रहण किया जाए, फिर उनको भूमि के आंतरिक भाग में दबाया जाए। पानी को क्या, जो पानी है उसको भूमि के आंतरिक भाग में बहुत गंदा हो जाए, उसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ हो जाए, उसको दबाया जाए या पानी को शुद्ध करके उसकी पुनःचक्रण पुनः उपयोग के आधार पर उसको उपयोग भी लिया जा सकता है। तो ये रूपरेखा औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग करने पर प्रयास जोर दिया गया। फिर है मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, सॉरी मॉन्ट्रियल समझौता आपको पता है 1987 में हुआ था और ये आके ओजोन परत के लिए था। और ये जो है मॉन्ट्रियल सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल है कहाँ पे? कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा में है। सम्मेलन कब हुआ? 2005 में। इसमें ये सम्मेलन आपके क्योटो प्रोटोकॉल को ही बताता है। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या कहा गया था कि 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का स्तर है 1990 तक लाना। तो विकसित देशों को 2012 तक जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसके स्तर को 1990 के स्तर तक लाना, यानी 1990 में जो उत्सर्जन था उस उत्सर्जन स्तर तक जो कमी करके उत्सर्जित गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसेज उसके उनके उत्सर्जन में इतनी कमी की जाए कि उनकी जो मात्रा है वायुमंडल में कितनी रह जाए? 1990 के उत्सर्जन तक की मात्रा रह जाए। तो विकसित देशों को यह पुनः चेतावनी दी गई 2005 में कि आप 2012 तक इस ग्रीन हाउस गैस जो भी हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके स्तर को 1990 के स्तर तक लाए। ये पुनः चेतावनी दी गई किनको? विकसित देशों को। तो हमने बॉन कन्वेंशन 1998 जर्मनी, क्योटो प्रोटोकॉल की क्रियान्वित पे जोर दिया गया, जोहान्सबर्ग सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग और सतत पोषणीय विकास पे जोर दिया गया 2002 में हुआ, डर्बन पृथ्वी सम्मेलन 2003 में हुआ जिसपे जोर दिया गया पर्यावरण और जैव विविधता पे, स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ जिसपे औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए जोर दिया गया, मॉन्ट्रियल सम्मेलन आपके 2005 में हुआ कहाँ पे? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। विकसित देशों को पुनः आगाह किया गया कि आप यहाँ ग्रीन हाउस गैसेज है उसके स्तर को क्या करें? 1990 के स्तर तक लेके आए। इसके बाद अब देखते हैं अगला सम्मेलन, जिसमें जो सम्मेलन था वो है नासा दुआ। नासा दुआ कहाँ पर है? पहले लोकेशन की बात करें, इंडोनेशिया का द्वीप है बाली द्वीप। इस बाली द्वीप का एक नगर है उसका नाम है नासा दुआ। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। द्वीप कौन सा है? बाली। बाली का नगर है नासा दुआ। सम्मेलन हुआ 2007 में। 2007 में सम्मेलन में क्या हुआ? सम्मेलन में IPCC पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कौन सी रिपोर्ट? चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं IPCC क्या है। IPCC क्या है? ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो आपके जलवायु में परिवर्तन है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है। सबसे बड़ी संस्था जिस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम कर रही है, संयुक्त राष्ट्र की सबसे
बड़ी संस्था है कौन सी? IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो संस्था है इसके जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में आपके सारे सदस्य जो यूएन के हैं वो सारे के सारे क्या है, इसमें भाग लेते हैं। 2000 इसमें जो चुनाव हुए, 2007 में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में जो भारतवंशी बोल सकते हो, भारतीय मूल के राजेंद्र पंचोरी जो है, जो भारतीय मूल के हैं, नाम है राजेंद्र पंचोरी को एक सौ तिरानवे में 189 वोट मिले किसको? राजेंद्र पंचोरी को, और इनको अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र पंचोरी को, किसका? आपके IPCC का अध्यक्ष राजेंद्र पंचोरी को बनाया गया। और राजेंद्र पंचोरी है, उन्होंने पर्यावरण के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की इन्होंने की, राजेंद्र पंचोरी ने पर्यावरण के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट का नाम क्या था? फोर्थ रिपोर्ट। किसकी? IPCC की फोर्थ रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात, 2007 में ही इस रिपोर्ट के कारण राजेंद्र पंचोरी और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? इस रिपोर्ट के लिए मिला। कौन सी रिपोर्ट के लिए? IPCC की फोर्थ रिपोर्ट। किसके लिए थी? पर्यावरण के लिए थी। रिपोर्ट किसने तैयार की थी? राजेंद्र पंचोरी ने तैयार की थी। राजेंद्र पंचोरी जो अध्यक्ष बने, वो 193 देशों में कितने वोट उनको मिले? 189 वोट उनको मिले। किनको? राजेंद्र पंचोरी को। और 2007 में इनको क्या मिला? ये अपनी रिपोर्ट के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्लियर? कौन सा सम्मेलन? नासा दुआ सम्मेलन। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली द्वीप के नासा दुआ शहर में। IPCC की क्या? फोर्थ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी पर्यावरण के लिए। रिपोर्ट बनाने वाले राजेंद्र पंचोरी, अमेरिका के राष्ट्रपति, और राजेंद्र पंचोरी को 2007 में क्या मिल गया? नोबेल पुरस्कार मिल गया। किसके लिए मिला? इस रिपोर्ट के लिए मिला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पोज जोन या वारसा सम्मेलन। ये भी पर्यावरण के लिए, पोलैंड की राजधानी वारसा में, एक राजधानी याद करना, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? वारसा। इस वारसा में कौन सा सम्मेलन आया? पोज जोन या वारसा सम्मेलन 2007 में। इसके बाद हम बात करें कोपेनहेगन सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है कोपेनहेगन सम्मेलन। कोपेनहेगन ध्यान करो, कोपेनहेगन राजधानी है आपकी डेनमार्क की। किसकी है? डेनमार्क की। और इस राजधानी नगर में आपके 2009 में सम्मेलन हुआ, 2009 में सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता भी किसने की? राजेंद्र पंचोरी ने। किसने की? राजेंद्र पंचोरी ने क्या की? अध्यक्षता की। और क्या क्या अहम उन्होंने इसमें जो सुझाव दिए या क्या अहम भूमिका इसमें निभाई? इन्होंने क्या किया, 2009 को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया। 2009 को प्रश्न आ जाए कि सबसे गर्म वर्ष जो इस दशाब्दी का है वो 2009 है। 2009 को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया, और 2001 से लेके 2010 तक के दशक को गया ना, एक से दस तक का, इसको सबसे गर्म दशक घोषित
किया। सबसे गर्म दशक 1 से 10 वाला और सबसे गर्म जो वर्ष है वो 2009 सबसे गर्म वर्ष घोषित किया। ये आपका कोपेनहेगन सम्मेलन था, किसने की अध्यक्षता, राजेंद्र पंचोली ने। अब इसके बाद है कानकुन सम्मेलन। कानकुन पहले भी नाम आया था, कानकुन सम्मेलन है मेक्सिको के कानकुन शहर में हुआ। किस में हुआ? मेक्सिको के कानकुन शहर में। कौन सा सम्मेलन हुआ? कानकुन सम्मेलन। ये जो सम्मेलन हुआ कानकुन सम्मेलन, ये 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 तक हुआ। 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 तक हुआ और ये 16वां जलवायु सम्मेलन था, याद कर लेना। कानकुन सम्मेलन कौन सा था? 16वां जलवायु सम्मेलन था। अब इसमें क्या नई बात आई? इसमें विश्व हरित कोष यानी पर्यावरण के लिए एक कोष तैयार किया गया। उस कोष के लिए क्या मिल गई? मंजूरी मिल गई। कितनी? 100 अरब डॉलर की क्या मिल गई? मंजूरी मिल गई। कितनी मंजूरी मिल गई? 100 अरब डॉलर की मंजूरी मिल गई। तो ये कौन सा है? कानकुन सम्मेलन। याद करना कि कौन से सम्मेलन में विश्व हरित कोष की मंजूरी मिली, तो आपके कब मिली? कानकुन सम्मेलन 2010 में। कानकुन सम्मेलन 2010 में क्या मिली? मंजूरी मिली। अब एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नासा दुआ बाली द्वीप नासा दुआ में हुआ। आईपीसीसी की फोर्थ रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की गई। ओजोन जो वारसा में हुआ। कोपेनहेगन है वो 2009 डेनमार्क में हुआ। इसमें क्या किया गया? इसमें सबसे गर्म वर्ष है वो 2009 और सबसे गर्म दशक है वो 2001 से 2010 को घोषित किया गया। कानकुन सम्मेलन इसमें क्या हुआ? इसमें मेक्सिको के कानकुन में ये 16वां जलवायु सम्मेलन था 2010 में और इसमें विश्व हरित कोष के लिए 100 अरब डॉलर की राशि निर्धारित कर दी गई। तो विद्यार्थियों आज हमने कुछ वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन पढ़े हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में जो अगले पर्यावरणीय सम्मेलन है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।